नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जून दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा ट्रायल रन। देश भर के बिजली कंपनियों की रैंकिंग में बिहार सरकार ने जताई आपत्ति। बिहार को गर्मी से मिल सकती है राहत। बिहार में पीएम आवास योजना में 284 करोड़ की मंजूरी। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया बना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। केंद्रीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 38,480 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जारी किए गए नोटिफिकेशन को देखना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाकर आवेदन के शुरू होने के बाद अपना आवेदन कर सकते हैं। जाने किस दिन होगा पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन। बहुत जल्दी बिहार वासियों को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सौगात मिलने वाली है। बता दें कि ट्रेन के ट्रायल की तारीख की घोषणा कर दी गई थी और किए गए इस घोषणा के तहत पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल आज यानी कि 12 जून को होने वाला है। मालूम हो कि यह ट्रेन पटना जंक्शन से आज सुबह 6:55 बजे खुलेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं ट्रायल पूरा होने के बाद ट्रेन का उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक उद्घाटन की तारीख को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी और साथ ही जल्द ही सीटों की बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना जंक्शन से खुलने वाली ट्रेन का ठहराव रांची तक में 6 स्टेशनों पर किया जाएगा, जिसमें जहानाबाद, गया, कोडरमा, बड़काकाना, हजारीबाग और मेसरा शामिल है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सफारी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सफारी राजगीर का वर्तमान समय में यह एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ पर काफी अधिक संख्या में लोग काफी दूर दूर से आया करते हैं। यहाँ पर जाने के उपरांत आप कई जीव जंतु और पशु पक्षियों को देख सकते हैं। यह जगह एक प्राकृतिक प्रेमी को काफी पसंद आता है। यहाँ पर जाने के उपरांत आप बाघ, हिरण, भालू, शेर, चीता, लकड़बग्घा, तेंदुआ आदि जैसे जानवरों और कुछ विलुप्त होने वाले पक्षियों को भी देख सकते हैं। यह जगह राजगीर में एक शांत वातावरण एवं हरा भरा वातावरण में घूमने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे बिहार सरकार के द्वारा 177 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मिड डे मील को लेकर 38 लापरवाह अफसरों पर गिरी गाज। पिछले काफी दिनों से बिहार के सरकारी स्कूलों में मिल रहे बच्चों को दोपहर के भोजन में कीड़ा, छिपकली या सांप जैसे अन्य जीव मिलने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे बीमार भी हो चुके हैं। ऐसे में स्कूलों में मध्याह्न भोजन की जांच नहीं करने पर राज्य के 38 जिलों के प्रखंड साधन सेवी पर कार्यवाही की गई है। बता दें कि उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक भी विद्यालय का टैब बेस्ड निरीक्षण नहीं किया। वही 26 जिलों के BRP ऐसे हैं जिन्होंने आधा अधूरा निरीक्षण किया है। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन निदेशालय के द्वारा 13 जिलों के BRP के वेतन में 20% की कटौती भी की गई है और 26 जिलों के BRP को टैब के रखरखाव और मरम्मत मद में दिए जाने वाले 1,000 रुपए की कटौती की गई है। इस बारे में पीएम पोषण योजना बिहार के निदेशक सतीश चंद्र झा का कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना की जांच नहीं करने पर निदेशालय सख्त है। अभी BRP को 30 स्कूल या कुल स्कूल को 20% निरीक्षण करना था, लेकिन प्रखंड साधन सेवी ने लापरवाही बरती है। बिहार के 2 NH का निर्माण इस साल होगा पूरा। करीब 3,504 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे करीब 143 किलोमीटर लंबाई की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग नरेनपुर पूर्णिया और अररिया गलगलिया 4 लेन NH का निर्माण इस साल तक पूरा हो जाएगा। बता दें कि वर्तमान में दोनों सड़कों के निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अगर इन सड़कों पर आवागमन शुरू हो जाता है तो बिहार के कई जिलों का पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र की सीमा तक का सीधा संपर्क हो जाएगा, जिससे कि लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी और साथ ही उनके समय में भी काफी बचत होगी। बता दें कि इसके अलावा अररिया गलगलिया सड़क के समानांतर ही इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। मालूम हो कि इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का निर्माण कार्य पूरा होने से सीमावर्ती क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों ने लगाए मेडल्स की झड़ी। बिहार के खिलाड़ी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का नया स्लोगन दिल से खेलो मिलकर जीतो को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। बता दें कि इसी कड़ी में 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 13 पदक के साथ साथ 3 स्वर्ण मेडल जीते हैं। ऐसे में बिहार 14वें स्थान पर मेडल टेली 16 अंकों के साथ आ चुका है। मालूम हो कि वर्ष 2019 में बिहार 31वें स्थान पर रहा था।
बताते चले कि बिहार ने लगभग सभी खेलों में इस वर्ष के खेले गए मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन दिए थे। खिलाड़ियों की इस प्रतिभा को देखकर राज्य भर के कई लोग उन्हें बधाई देने में लगे हुए हैं। जून माह में ऐसे करे कृषि कार्य। बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि जून माह में किस प्रकार कृषि कार्य किया जाए। जारी किए गए इस पोस्ट में बताया गया है कि खरीफ धान की रोपनी करें और 15 जून तक अगहनी धान का बीज गिरा दे। इसका बीज उपचार ओडियो फंजिन के 100 PPM घोल या थीरम 75 धूल चूर्ण या कैप्टॉन 50% घुलनशील 2.5 ग्राम प्रति किलो सूखे बीज में मिलाकर बीज उपचार करें। इसके साथ ही बिछड़े उखाड़ने के एक सप्ताह पूर्व कार्बोफ्यूरॉन 3% दानेदार 30 किलो या कटार हाइड्रोक्लोराइड 25 से 30 किलो प्रति है कि धर से पौधाशाला में बिखेर दे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मंसूर होदा के बारे में। मंसूर होदा का जन्म आज ही के दिन 1930 में हुआ था। यह एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं। बता दें कि 1968 में अपने भाई सुरूर होदा के साथ और शुमाकार की मदद से उन्होंने इंडिया डेवलपमेंट ग्रुप UK का गठन किया, जो ब्रिटेन में भारतीय व्यापार समुदाय की मदद से भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाता है। 1972 में उन्होंने भारत में अग्रणी गांधीवादी जयप्रकाश नारायण के अनुरोध पर भारत के वाराणसी में गांधीवादी संस्थान में उपयुक्त प्रौद्योगिकी इकाई को स्थापित करने और चलाने के लिए परमाणु विज्ञान सरे विश्वविद्यालय में MSSC और एक आकर्षक कैरियर छोड़ दिया। 1976 प्रतिक्रियाओं के साथ प्रोत्साहित लखनऊ में एक विस्तारित इकाई की स्थापना की गई और इसके पहले निदेशक के रूप में मंसूर होदा के साथ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास संघ नामित किया गया। 1983 में मंसूर होदा ने लंदन में गांधी फाउंडेशन की स्थापना में मदद की व लखनऊ में शुमाकार इंस्टीट्यूट ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए भारत लौट आए। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम भारत में बेरोजगारी की समस्या है। बिहार में PM आवास योजना में 284 करोड़ की मंजूरी। बिहार में 2024 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी गरीबों या आवासहीन को घर मुहैया कराने के लिए PM आवास योजना के अंतर्गत 284 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि जारी किए गए इस राशि में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी शामिल है। अब तक राज्य के सभी नगर निकायों में 3,28,130 बेघरों को चयनित किया गया है, जिन्हें इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मालूम हो कि अब तक 1,10,456 घरों का निर्माण पूरा करके लाभुकों को दे दिया गया है। बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा सभी नगर निकायों को अपने अपने क्षेत्र में गरीबों का सर्वे करके इसकी सूचना भेजने का निर्देश दे रखा है और जैसे सूची आती है इसकी समीक्षा करके पात्र लाभुकों का चयन कर इस योजना के अंतर्गत आवास देने के लिए कार्य किया जाता है। देश भर के बिजली कंपनियों की रैंकिंग पर बिहार सरकार ने जताई आपत्ति। बिहार सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश भर के बिजली कंपनियों की रैंकिंग पर आपत्ति दर्ज करवाई है। बता दें कि केंद्र को पत्र लिखकर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस द्वारा कहा गया है कि 11वीं वार्षिक रैंकिंग और रेटिंग में वितरण कंपनियों की गणना में उपलब्ध अग्रिम अनुदान पर विचार नहीं किया गया है। हर वित्तीय वर्ष के शुरुआत में मासिक आधार पर बिहार सरकार वितरण कंपनियों को टैरिफ सब्सिडी जारी करती है। बताते चले कि वित्तीय वर्ष के अंत में वितरण कंपनियां सब्सिडी का समन्वय करती है। यही वजह है कि बिहार के वितरण कंपनियों को ऊर्जा मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में देश भर के बिजली कंपनियों की एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग में पिछड़ा दिखाया है। दुरंतो एक्सप्रेस के यात्री से बरामद हुआ 12 किलो सोना। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटना जंक्शन पर DRI की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए गाड़ी संख्या 12273 हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाने के दौरान B7 कोच में सीट 42-43 पे सफर कर रहे दो व्यक्तियों के पास से 12 किलो 600 ग्राम सोने का बिस्किट बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 7,72,61,125 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि जिन दो व्यक्तियों के पास से सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं उनकी पहचान प्रेमल राडिया और अनिल कुमार के रूप में की गई है। मालूम हो कि ये दोनों व्यक्ति कमर में ही बेल्ट लगाकर सोने का बिस्किट छिपाकर रखे थे। इस छापेमारी में DRI और RPF की टीम के द्वारा काफी मुस्तैदी से दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है और जांच चल रही है। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में बिहार के राजू खान का इंडिया टीम में हुआ चयन। बिहार के युवा किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, यह तो हम सभी जानते हैं। बता दें कि एक बार फिर से बिहार के मोतिहारी जिला के मधुबन प्रखंड के बेलवा पंचायत के राजू खान का चयन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हो गया है, जहां वह भारतीय टीम की ओर से 65 किलोग्राम वजन समूह में भाग लेंगे। बता दें कि राजू खान भारत की तरफ से सितंबर में आयोजित एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नेपाल की राजधानी काठमांडू में अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। वहीं विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नवंबर महीने में साउथ कोरिया में भी राजू खान भारतीय टीम में शामिल रहेंगे।
बता दें कि राजू बिहार से इकलौते ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। वहीं पहली बार भारतीय टीम में सिलेक्शन होने पर उनके परिवार व गाँव में खुशी का माहौल बना हुआ है। बिहार के 2005 निजी स्कूलों की मान्यता होगी खत्म। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा बिहार के 2005 निजी स्कूलों के यू डैश कोड को रद्द कर दिया गया है, जिससे कि अब इन स्कूलों की CBSE और ICSE की मान्यता भी खत्म हो जाएगी। बता दें कि जिन निजी स्कूलों में यू डैश कोड को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा रद्द किया गया है, उनकी सूची जिलावार तरीके से जारी कर दी गई है और साथ ही सभी जिला शिक्षा कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि इन स्कूलों पर नजर रखी जाए, जिससे यह स्कूल आगे किसी भी बच्चों का नामांकन न ले पाए और अभिभावकों को गुमराह न कर सके। बता दें कि जिन स्कूलों के यू डैश कोड को रद्द किया गया है, वे वही स्कूलें हैं जिन्होंने यू डैश कोड में बच्चों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई थी। ऐसा रहा राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन। बीते दिन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 76वें जन्म दिवस पर राबड़ी आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई अन्य नेताओं के द्वारा लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी गई। मालूम हो कि लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी ऑफिस में केक काटकर लालू यादव का जन्मदिन मनाया गया और साथ ही बड़ी संख्या में रक्तदान भी किया गया। इसके अलावा एक नेता ऐसे रहे जिन्होंने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई देने के लिए 76 किलो के लड्डू और 76 टोकरी मिठाई लेकर राबड़ी आवास पहुंचे थे। बता दें कि रक्तदान शिविर में युवा RJD के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव के द्वारा भी रक्तदान किया गया और कहा गया कि लालू यादव के जन्मदिन पर इससे बड़ा और क्या आयोजन हो सकता है। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के द्वारा भी ट्वीट कर भावुक होते हुए अपने पिता को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। बिहार में यहां लगेगा राज्य का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट। लखीसराय के समीप कजरा में बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट लगाया जाना है। बता दें कि बिजली कंपनी के देखरेख में जिस एजेंसी को DPR का काम दिया गया था, उस एजेंसी द्वारा कार्यरत बिहार रिन्यूअल एनर्जी को DPR सौंप दिया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के लिए ऊर्जा विभाग के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भेजा जाना है। मिली जानकारी के अनुसार लगने वाले सोलर पावर प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट होगी, जहां बैटरी स्टोरेज की क्षमता 20 मेगावाट रहेगी। लिहाजा देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट गुजरात में है, लेकिन इस पावर प्लांट की क्षमता महज 15 मेगावाट ही है। बिहार को गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से बिहार में 12 जून से गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यह संभावना कितनी सही होती है देखना होगा। जिस तरह से बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी है, बिहार का पारा 44 से 45 डिग्री के पार पहुंच रही है। लोग यही आस में बैठे हैं कि कब बारिश होगी और हमें राहत मिले। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि आज यानी सोमवार 12 जून के लिए मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है, बाकी अन्य जिलों में गर्मी का सितम बरकरार रहेगा। यह बारिश उत्तर बिहार के जिले में हो सकती है। हालांकि दक्षिण बिहार के लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। दक्षिण बिहार के सभी जिलों में अगले 5 दिनों तक गर्मी सताएगी। उष्ण लहर और लू की स्थिति बरकरार रहेगी। बिहारी बाबू ने विपक्षी एकता को लेकर कही ये बात। विपक्षी एकता की पहल को लेकर 23 जून को पटना में बैठक होने वाली है, जिसे लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। अब इसी बीच विपक्षी एकता को लेकर बिहारी बाबू कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि आने वाले समय 2024 में यदि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो चमत्कार कर सकते हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की बात करते हुए कहा कि वे ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हुए चुनाव के परिणाम देख सकते हैं। इस आधार पर चमत्कार की बात को आसानी से कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने विपक्षी एकता के पहल को लेकर बिहार के CM नीतीश कुमार की जानकर प्रशंसा की। गिरिराज सिंह ने CM नीतीश को कहा यह। बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को लेकर BJP के द्वारा लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाया गया है। बता दें कि एक बार फिर से BJP सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के दौरे पर बीते दिन शहर के लोहिया नगर में भाजयुमो की तरफ से आयोजित नव मतदाता सम्मेलन में छात्र छात्राओं से बातचीत करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विदेशियों की पहचान कर उन्हें हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अगर इसको लेकर पहल नहीं करती है तो अगर राज्य में BJP सरकार है तो ऐसे लोगों को हटाया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट की नजर से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि भारत की आबादी ऐसे ही बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें तुरंत हटाना चाहिए।
विपक्षी दलों की बैठक से पहले 17 को पटना में जुटेंगे इन राज्यों के मुख्यमंत्री। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले 17 जून को भी एक बैठक होने वाली है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पूर्वी भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। बता दें कि 17 जून को जो बैठक होने वाली है वह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक है, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम शामिल है। मालूम हो कि बैठक में भाग लेने वाले अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों का चयन किया गया है, जो संपर्क अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे। हालांकि अब तक बैठक के एजेंडे को तय नहीं किया गया है, लेकिन क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों को बैठक में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी के विरोध पर सुशील मोदी ने राजद को कह दी ये बात। पीएम मोदी इसी महीने के अंत तक बिहार आ सकते हैं। उनके आगमन से पहले ही काफी राजनीतिक बयानबाजी देखी जा रही है। अब इसी बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने पुरानी बातों को याद दिलाते हुए राजद पर तंज कसा, जहां उन्होंने कहा कि जब लालू यादव ने आडवाणी जी के रथ को रोका था, तब 2 साल बाद बीजेपी की सरकार बन गई और अब फिर से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया जा रहा तो फिर से पीएम मोदी की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने मखौल उड़ाते हुए कहा कि जिनके पास 1 MP तक नहीं है वे 303 सीट वाली पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया बना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल के आखिरी दिन टीम इंडिया के द्वारा सिर्फ 234 रन बनाए गए और फिर टीम इंडिया ढेर हो गई और इसी के साथ भारतीय टीम 209 रनों से मैच के साथ खिताब हार गई। बता दें कि भारतीय टीम 444 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी और आखिरी दिन उसे 280 रन बनाने थे और हाथ में सिर्फ 7 विकेट थे। मालूम हो कि इस बार टीम इंडिया के सामने चुनौती ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन चौथे दिन में दमदार प्रदर्शन के बाद उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन पहली पारी में भारत को कुछ हद तक हाथ बचाने वाले अजिंक्य रहाणे ने इस बार कुछ भी अच्छे शॉट जमाए, लेकिन मिचेल स्टार्क ने उनको आउट कर हार पर मोहर लगा दी और भारत ने 7 विकेट गंवाते हुए लगातार दूसरी बार खिताब भी गंवा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 10 साल से भारतीय टीम के द्वारा एक भी ICC खिताब नहीं जीता गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बन गई है जो तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन बन गई है और टीम ने 9वां खिताब अपने नाम किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। कर्नाटक में चंदा साहिब ने 1752 में आत्मसमर्पण कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी करार दिया। भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय 1998 में लिया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत 2002 में हुई। साइना नेहवाल ने 2016 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता। मशहूर भरतनाट्यम नर्तकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 1957 में हुआ। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक श्री DG तेंदुलकर का निधन 1972 में हुआ। पद्मश्री नेक चंद सैनी का निधन 2015 में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि श्री नारायण रेड्डी का निधन 2017 में हुआ। वायरल में आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप की पेशकश के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप की पेशकश के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक लिंक के साथ एक संदेश प्रसारित हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि युवाओं के लिए मुफ्त लैपटॉप की पेशकश की जा रही है और इसे बुक करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें, व्यक्तिगत विवरण मांगा जा रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि प्रसारित लिंक और संदेश नकली है, व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। डिजिटल पेमेंट में भारत ने पूरी दुनिया में लड़ाया परचम। पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 पर आया है। बता दें कि इससे जुड़े आंकड़े माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। आंकड़ों से इस बात का पता चला है कि वर्ष 2022 के दौरान भारत में कुल 8.95 करोड़ तक डिजिटली ट्रांजेक्शन हुए हैं। इस बात की जानकारी सामने आई है कि दुनिया भर में डिजिटल मोड से होने वाले रियल टाइम पेमेंट का 46% है। मालूम हो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन मोड में भारत में UPI सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बता दें कि भारत का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन वैल्यू में सबसे ज्यादा था। अब इंस्टाग्राम के बायो में 5 लिंक्स कर सकते हैं। मेटा ने इंस्टाग्राम में एक नया फीचर जोड़ा है, जिससे यूजर्स अपने प्रोफाइल में एक से ज्यादा लिंक ऐड कर सकते हैं। नए फीचर की घोषणा फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से की है। इंस्टाग्राम ने लिखा, अब आप अपने इंस्टाग्राम बायो में अधिकतम 5 लिंक जोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल के बायो में एक से अधिक लिंक जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर इंस्टाग्राम ओपन करें। अपनी प्रोफाइल पर जाने के लिए नीचे दाईं ओर प्रोफाइल आइकन पर टैप करें।
करें, स्क्रीन के टॉप पर प्रोफाइल एडिट टैप करें, लिंक पर टैप करें, फिर अपनी वेबसाइट के लिए URL जोड़ने के लिए ऐड एक्सटर्नल लिंक्स पर टैप करें, एक्सेप्ट पर टैप करें, फिर अपने परिवर्तनों को सेव करने के लिए एक बार फिर से एक्सेप्ट पर टैप करें। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मदर पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया उनके नाम है कमलेश शर्मा, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्र, सादुल्लाह पलवी, मोहम्मद सकीर हुसैन, पंकज कुमार, नवन सिंह, कन्हैया कुमार, उपेंद्र आम्बेडकर, एक्टिव अजीम, परमजीत प्रसाद, कामेश्वर प्रसाद सिंह, महेंद्र कुमार और शंकर मुखिया। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार WTC फाइनल 2023 में भारत का ऑस्ट्रेलिया से हारने के पीछे का कारण क्या है? आपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।